गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गया हूँ। हमारी मम्मी जी सुबह सुबह भजन गा रही हैं अपना। मैं कमरे में मतलब जैसी आंख खुली तो मम्मी के भजन गाने की आवाज आ रही थी अंदर से। मैंने कहा चलो सब कुछ मतलब इतना सुकून से मिला। जब ऐसे रहे तो नू रहे की मतलब आप वैसे सोचना कि आप जैसे आप सो के उठे हो, मम्मी अपना गीत वीत गा रही है कुछ भी, तो ऐसा रहा कि चलो सुकून रहे, सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं मम्मी के दिमाग में, तो सुबह की शुरुआत अच्छी सी हो जावे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो बढ़िया बढ़िया माहौल बना रखा मम्मी ने। अब मम्मी की एक खास बात और बता देता हूँ, मम्मी ने हमारे कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए हैं। देख के ना पहचान लेंगे, ठीक ना पैर रखी थी कुछ दिन पहले मैंने पहनी एक आध बार, तो मम्मी का साइज हमारा साइज सेम होगा, मम्मी हाइट बढ़ गई मेरे ख्याल से। अब ये देखो मम्मी का बिल्कुल फिट, ये लोअर भी हमारा है, लोअर तो आपका ही है। यो मम्मी ने पहन लिया, यो मार पे इतनी बढ़िया ना लगे कि मम्मी ज्यादा बढ़िया लग रही है। मैंने कहा मम्मी आप ही पहने करो इसे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। मम्मी के लड्डू अभी तक खत्म हुए नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने ना खाए, वरना अभी तक निपट जाते सारे। ये वाले जो लड्डू थे इसमें मैंने थोड़ा सा किरकिराट सा आ गया था। किरकिराट नहीं है बेटा। तो ये जो भी आपने इसमें सामान गिर रखा है वो उसका थोड़ा बुतुन का सा रह गया। मैंने पहला लड्डू जब खाया था ना तो मैंने थोड़ा सा ना मुंह में ऐसे किरकिराट सा आ गया था, तो फिर मेरा ना जी सा वैसा हुआ। मैंने कहा मम्मी मैंने खा रहा, अदरवाइज अब तक ये खत्म हो चुके होते क्योंकि दूध और लड्डू इज माय फेवरेट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। तो किस्मत वाले खाना लड्डू। हाँ मम्मी के समझ वाली हमारी जो बच गए लड्डू। तो सुबह सुबह कुछ खाने का मन कर रहा था, मैंने सोची मैं आलू परांठे रखा था, मम्मी ने कल बनाया था। अरे नहीं क्यों कम कर रहे हो भैया, दिखा तो दू लोगों को एक बार। तो मैंने मम्मी कह दी, मम्मी मम्मी थोड़ी सी चाय बना लो, चाय परांठा खा लूंगा, एक परांठा बच रहा है। मैंने बढ़िया लगा आलू प्याज के परांठे बना रखे थे मम्मी ने कल रात ने, तो मैंने कहा चलो चाय डलवा ले लेता हूँ थोड़ी सी। मम्मी चाय दी, यो मग्घा भर के पूरा। मैंने कही मम्मी इसमें थोड़ा दूध मिक्स कर देना, थोड़ी ठंडी सी हो जाएगी, दूध तो करा ना मग्गा चाय थी पूरा मग्गा भर दिया। अब इसमें दूध मिलाया, चाय अपने लिए निकाल के अलग। आप घूम फिर गए, मम्मी घूम फिर के सीधा यही आवे ब्याह, कुछ भी कह दो तो ब्याह कर ले। हरी मिर्च भी है क्या इसके साथ? हरी मिर्च है, दे दो थोड़ी सी। अचार वाली दे दो, कोई सी भी दे दो। हाँ अचार वाली चीज साथ ही थोड़ी खाई जाएगी सुबह सुबह। ये खा के फिर अपना हुलिया ठीक करवा के आता हूँ, क्योंकि जो वो शूट कर रहा था भीमा उसके चक्कर में डाटी वाटी सब कुछ बढ़ा रखी है। अजीब सा लग रहा हूँ मैं अपने आपने भी। और सबसे बुरी बात मम्मी उस पर जो भीमा ये बनाई थी वीडियो, इस पर कॉपीराइट आ गा। अब ना तो उस पर कमाई आएगी कुछ भी, ना उस पर व्यूज आएंगे, अपना आप ही रीच कम होगी। पता ना कैसे के चक्कर हुआ, मैंने तो जब डाली थी उस टाइम सारा म्यूजिक व्यूजिक सब कुछ चेक करा, दो बार चेक करा, इस चक्कर में दो घंटे लेट भी डाली, तीन घंटे लेट, 12 बजे की कह रखी थी 3 बजे डाली, लेकिन डालने के 3 घंटे बाद किसी ने चेक करके मतलब वो एक रहा, एक कर ऑटोमेटिक कॉपी राइट आना, एक कर मैनुअली देख के क्यों हो इसने हमारा गाना यूज कर रखा, मार उसका। तो ऐसा करके किसी ने कॉपी राइट मार दिया, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। सारे गाने हैं उसमें और किए, सारे जितने भी गाने यूज करें हम किसी पे भी लग सके कॉपीराइट, तो पता ना भाई मार दिया किसी ने। मैंने तो अब तक मूवी ने देखा किस पाया, मैंने कहा छोड़, मेरी तो हिम्मत सी टूट गई एक तो वैसे ही। मैंने कहा छोड़ कोई बात ना, मार दिया तो मार दिया। हम जो गांव के लोग रहे हैं कितने ज्यादा लापरवाह, मतलब तू समझ लो कि अब क्या ही कहूँ, कौन सा वर्ड यूज करूँ। मेरे ना इस पैर में यहाँ इसके ना उंगली के नीचे, मतलब ये देखो यहाँ उंगली के नीचे नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है, ये दाना सा हुआ था एक, फिर ना ये फूट का छाला सा होगा, फिर ये वैसे मतलब अब एक निशान सा पड़ रहा है, इसमें दर्द हो गया। तो मेरे तो सीधा पैर ना रखा जाए बिल्कुल, मतलब अगर ऐसा हो कि बिल्कुल सीधा रख के दम लगा के चलना तो दर्द होगा उसमें ना बहुत ज़्यादा। और इसे हो गए कम से कम 6 से 8 महीने हो चुके हैं इस बीमारी को मेरी को, लेकिन क्योंकि कोई बहुत बड़ी बीमारी ना, छोटी सी बस एक दाना सा है, और टाइम वाइम का चक्कर ऐसे रहे कि डॉक्टर के जावा यार काम है ये है वो है, तो इसने अभी तक मैंने दिखाया ना डॉक्टर का। तुम ये सोचोगे 6-7 महीने तक मैं ऐसे ही थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा हूँ कभी कुछ, पर मेरी इतनी हिम्मत ना हो रही कि मैं इसे डॉक्टर के दिखाया हूँ। इतना मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत भयंकर बिजी हूँ या कुछ हूँ, पर फिर भी ऐसा लगा कि छोटी मोटी चीज है। मैंने कहा यार इतनी सी दाना सा हो रहा है उसका किए डॉक्टर को दिखा करना, जबकि कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर भाई कोई बीमारी लंबी चल रही तो दिखा लेनी चाहिए, क्या पता क्या क्या परेशानी बन रही हो। आज मैंने जतिन को फोटो भेजी, मैंने कहा भाई एक बार यो दिखाइयो किसी डॉक्टर वॉक्टर से यार, इसका पता कर कि यो है क्या चीज, क्योंकि मेरे तन चलने में दिक्कत है, जूते पहनू तो भी दिक्कत आवे बेफालतू में। मैंने कहा मैं सोच रहा हो जाएगी ठीक, हो जाएगी ठीक, 6 महीने तो ऊपर तो हो चुके, हो सके साल भर भी होगा, पर यो ठीक ना हुई अभी तक। आज फाइनली मैंने हिम्मत करके मैंने तुम्हें भी दिखा दी तसल्ली था कि यो दिक्कत हो रही है, और उसके पास भी फोटो भेज दी। मैंने कहा इसका इलाज करवा भैया, अरे यार इसमें तेल डलवाना भाई। एनीवेज कल वाली वीडियो देख के बहुत सारे लोग चौंक गए कि भाई तुमने तो मजा बांध दिया, 3 बार रेस करी, 3 बार तुम जीत गए। भाई गाड़ी का भी फर्क पड़ता है, ऑटोमेटिक का फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें है। अब वो मेरे से कह तो रहा था नौकरा कि मैं वो चलाऊंगा, क्या नाम है
बीएमडब्ल्यू, मैं सोच रहा हूँ एक बार बीएमडब्ल्यू तो भी कर लो इसके साथ, क्योंकि वो भी ऑटोमेटिक है, वो भी ऑटोमेटिक, क्या पता हरा दे बाय चांस, वैसे मेरे को लग ना रहा क्योंकि वो नीचे है, वो थोड़ी तेज भगे, मैंने भगा रखी है, पर फिर भी देखेंगे कभी आराम से टाइम मिलेगा तो। आंटी जी प्लीज थोड़ा सा साइड दे दो भगवान के नाम पे, दे दी, निकल गए, थैंक यू गाइस। मेरा इतना ज्यादा मन कर रहा है कि मैं बाल बड़े करके इन्हें थोड़े से कर्ल करा लूं, मतलब थोड़ा सा अलग सा लुक ले लूं, या फिर चुटिया सी बनाकर वो बना लूं, पर मेरे बाल ऐसे हैं कि जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े होने लगे ना, उसके बाद ये ऐसे अनकंट्रोल तो बाहर हो जावे, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं, मेरी समझ में ना आवे मैं क्या करूं। फिर मेरा कोई ना कोई शूट आ जावे, तो शूट पे वो ऐसी बुरी हालत रख ना सके, पुष्पा वाला शूट हो तो अलग बात है, उसमें तो खिंडा के रखने थे, अलग चीज है, लेकिन अगर कोई शूट हो तो फिर उसमें थोड़ा सा ठीक तमीज तहजीब तक रखने पड़े, फिर उस चक्कर में मैंने कटिंग करवानी पड़े। तो जो मेरा सपना है वो पता ना कब पूरा हो पाएगा, बुढ़ापे में करूंगा लंबे बाल, अगर बाल बचे तो, गंजा होगा तो अलग बात है, और कोई बड़ी बात ना है मैं गंजा हो जाऊं, क्योंकि मेरे पापा के बाल उड़ गए थे शादी के बाद ना, तो कहीं पता चला है अरे अभी गंजा होगा, पर ना ऐसा ना, अभी तक तो ना उड़े, मेरे कोई दिक्कत ना, ठीक ठाक है। बीच बीच में तो यहाँ तो उड़ गए थे पापा के, तो कभी इतना इतना एरिया हो जावे, पापा वो लगाए करते फिर अलग अलग तरह के, जैसे टीवी पे एडवर्ट दिखाते रहे ना कि प्याज का तेल और ये वो उसकी मालिश करवाए करते हैं, दबा के पूरे घर में बदबू हो जाए करते उन तेल होता है, पर बाहर ना आए जब भी। मेरे लैपटॉप का चार्जर ऑफिस पर रहेगा था, तो मैंने जतिन से कही थी, मैंने कहा भाई आते टाइम चार्जर ले आइए, क्योंकि रात को ऑफिस पे रुका था, अब चार्जर तो ले आया, पर गाड़ी मैंने की बाहर लगा ली, देखो इसने कहां लगाई है गाड़ी वहां, अब दोबारा मैंने सोसाइटी तो बाहर निकाल ली थी, दोबारा अंदर घुसाई है, अभी तो चार्जर लूंगा अब जाऊंगा, बताओ लिया भैया। हाँ भाई गेट के बाहर थी, अरे तो पहना मैंने सोची तो अंदर है। अरे चल ठीक है, लाया उसकी दवाई, लाया अंगूठे वो जो भेजी थी वो थोड़ी ना लोकेश बाद में, मेरे पैर की दवाई आज भी नहीं मिली है, पर मिल जाएगी कोई बात है, मैंने अभी इसका द्वारा भेज दी ना, तो ये मेरे तसल्ली है कि एक दिन बाद लाओ चीज ले आएगा, और बढ़िया चीज आएगा, इससे ठीक ही हो जावे। इसमें तेल कम है बहुत ज्यादा, और कल तक कम है जब तक हम रेस लगाते हैं, और रेस में तो मेरे ख्याल में ज्यादा फुका होगा, वो कहीं बंद ना हो जावे, मेरे तो आज तक स्कॉर्पियो ने तो धोखा ना दिया है, मतलब ऐसा ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल खत्म ही होने वाला था पर बंद नहीं हुई, तो अभी देखते हैं अगर होगी तो होगी भाई, पहले मैं साइड में ही अपना दुकान है, सारी सारी सुविधाएं हमारी सोसाइटी के आसपास सब कुछ है, बाल वाल कटवाने इधर लेके, और मूवी का थोड़ी दूर जाना पड़े, बस हमने अपने गाँव वाली साइड खुलवा, अब तो नहीं तो यहाँ आसपास में सब कुछ है, और जो हमारा नया घर तैयार हो रहा है वो भी यहीं पास में ही है, तो हमारे घर के आसपास सारी सुविधा रहेंगी, स्कूल हॉस्पिटल मेट्रो भी आ जाएगी यहाँ पे कुछ टाइम बाद, एक नंबर जन्नत बन जाएगी ये वाली जगह, अभी तक खाली पड़ी रहा, और जब मतलब जब हम आए थे ना यहाँ पे इस साइड, जब हम रहना आए थे रेंट पे, जब हमने घर लिया था तब यहाँ तो सब तब यहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था बिल्कुल, नील बट्टे सन्नाटा। जब मैं यहाँ स्कॉर्पियो को पार्क करता हूँ तो मेरे को दो तीन बार आगे पीछे लेनी पड़ जाती है कई बार, लेकिन इसको पार्क करते टाइम सोचना ना पड़े, एकदम तो ला कर मोड़ दो, रीजन क्या है कि इसके टायर ठीक है, उसमें टायर थोड़े से बाहर है ना, तो सोचना पड़े कभी थोड़ी सी साइड में गाड़ी भिड़ जाओ, इस चक्कर में थोड़ा सा पीछे लेकर करनी पड़े। प्लान में थोड़ा सा चेंज है गाइस, मैं अभी बाल कटवाने ना गया, मतलब अभी जाऊंगा, पर पहले घर जाके एक बार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक छोटी सी मीटिंग भी करनी है किसी के साथ, तो वो करके फिर जाऊंगा, तो और मैं ऐसे चप्पल चप्पल में चला गया था घर से, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसा जाना, ऐसे जाके तुम मीटिंग कोई खराब करके आ सको, ठीक ना करके आ सकते, तो एक बार घर जाके चेंज कर लेते, उसके बाद निकलते बाल कटवाने, खुजली चल रही है, मसाज लूंगा, हेड मसाज बढ़िया एक नंबर वाली। सोच तो मैं रहा था कि नहा लूं, लेकिन मैं नहाया ना, अंदर मम्मी जी सो रही है हमारी, इसलिए मैं ज्यादा शोर शराबा करे बिना बस चेंज करके निकल रहा हूँ, एक बार पूछ के देखूंगा, अगर ये बाल मेरे वैसे हो पाए ना, थोड़े से कर्ल हो पाए, तो मैं सोच रहा हूँ कर्ल करवा लूँ, और अगर थोड़े से कलर करवा लूँ क्या, देखो जैसे जो वो कलर होकर लाल लाल सा गुटका खाक थूक दे वैसा थोड़ा सा, मतलब पूरा ना कह रहा कभी तुम सोचो टिकटॉक का टाइप, थोड़ा सा कह रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बीच में जो एक दो बाल दिखे कर वैसा करवाऊँ या ना करवाऊँ, पूछ के देखूंगा जो अपना खतरनाक चीता बाल काटेगा अपने, उससे पूछ के देखूंगा, अगर भाई बढ़िया लगेगा थोड़ा सा कलर जैसे बीच बीच में थे या आगे तक कुछ कुछ बाल करवाएगा कर, वैसे करवाऊंगा, अगर वो कहेगा कि अच्छा लगेगा तो, और उसने कुछ एग्जांपल तौर के तौर पर दिखा दिया कि भाई ये देखो ऐसे हो जाएंगे, तो ही करवाऊंगा, नहीं तो ना करवाऊंगा। अब देखो जूते वूते पहनने के बाद ना एक इंसान के अंदर का जो कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अलग ही रहा, मतलब थोड़ा सा मैंने कुछ ना करा, मैं सोच रहा था कि नहा लूं, पर फिर मम्मी सो रही थी, एक तो शोर सा होता थोड़ा सा, फिर मेरा मन भी ना करा नहाने का, मैंने कहा कल नहाया था छोड़ा जा झंडे, या तो शाम में नहा लूंगा, कल रात में नहाया था, रात में भी क्यों, हाँ मतलब वो रेस वेस लगाने के बाद, मैंने कहा छोड़ा आज का रहने देते हैं, या तो शाम में नहाऊंगा या फिर कैंसिल छुट्टियां। तो गाइस अपना प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया सारा, थोड़ा सा टाइम लग गया जो मीटिंग होनी थी, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बाल वाल कटवाने के बाद ब्लॉग अपलोड करूंगा तो उसमें बच जाएंगे 10, तो इसलिए उसमें कोई फायदा नहीं है, बाल कटवाऊंगा वो तुम कल देख लेना, मतलब अब जाऊंगा सीधे कटवाऊंगा, बैठ के एडिट करता रहूंगा ब्लॉग और फिर इसे टाइम से अपलोड कर दूंगा। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं।